हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो सभी? आई होप अच्छी होगी। मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ। और आज की व्लॉगिंग नाइट से स्टार्ट कर रही हूँ मैं क्योंकि पूरे दिन भर में ऐसा था, थोड़ा सा अपने अपने काम में थोड़ा ज़्यादा ही बिजी हो गई थी मैं, और फिर उसके बाद थक के सो गई। ठीक है, तो इस वजह से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करी है। और मुझे मेरे चेहरे पर ना काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट लग रही है। मैंने कुछ सामान आप लोगों के साथ शेयर किया, जो मैंने पर्पल से मंगवाया था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, लेकिन अभी मैं इसे यूज़ कर रही हूँ प्रॉपरली, फिर बताऊँगी हर एक प्रोडक्ट का कि हाँ वाकई में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्क करना चाहिए, बाकी कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ चीज़ें हमारी स्किन को सूट नहीं करती हैं, तो इस वजह से। तो बैकग्राउंड वॉइस को प्लीज़ इग्नोर कीजिए क्योंकि वनराज के पापा खेल रहे हैं। तो डिनर का समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाएं, कि कुछ अच्छा सा ही बनाएं। तो सोच रही हूँ कि चलो ब्रेड पकौड़े बनाते हैं, सिंपल से ब्रेड पकौड़े, ब्रेड के पकौड़े, वाकई में जो ब्रेड के पकौड़े होते हैं वो ही बनाती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ कैसे बना रही हूँ मैं सिंपल से ही बनाती हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी। ऐड करूँगी, चलिए बनाते हैं ब्रेड पकौड़े। ठीक है, बारीक बारीक काट के, अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। मेरे पास हरी मिर्ची नहीं थी, वरना मैं हरी मिर्ची और धनिया ज़रूर ऐड करती। अचानक से प्रोग्राम बन गया कि हाँ चलो बनाना है, तो फिर जल्दी जल्दी बस ऐसे ही बना रही हूँ मैं। ठीक है, इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ अजवाइन। अजवाइन सही रहती है रात के टाइम पे, अगर हम कुछ चीज़ खा रहे हैं ऐसी जिसमें वायुवादी का रहता है डर, तो उसमें आप अजवाइन डाल लीजिए, तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें मैं जीरा डाल रही हूँ, जीरे में थोड़ी काली मिर्च थी तो उसको साइड पे निकाल के फिर डाला है। और मनराज के लिए प्लेन निकाल रही हूँ मैं। इसमें अब मैं लहसुन ऐड कर रही हूँ, लहसुन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एक बार ट्राई कीजिएगा, जब आप पकौड़े बनाएं ना तो उसमें लहसुन थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें मैंने लाल मिर्च और हल्दी ऐड कर लिए। ठीक है, और मनराज के लिए इसमें सिर्फ मैंने नमक ऐड किया है, और अपने वाले में भी नमक ऐड कर दिया। और मनराज में थोड़ा सा मनराज वाले बेसन में मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी। ठीक है, नमक और हल्दी, अजवाइन और जीरा, बस यही चीज़ मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। और अब मनराज के लिए पहले मैं बेसन घोल लेती हूँ, और इसके बाद मैंने अपने लिए घोल लिया। और अब मैं सबसे पहले मनराज के लिए बना रही हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं चाहती कि भाई हम मैं बनाऊँ मिर्ची वाला तो उसमें मिर्ची लगे मनराज को, इसे इसके लिए प्लेन बना रही हूँ। और आप देख सकते हो ब्रेड पकौड़े देखो कितने अच्छे से फूल रहे हैं, प्लेन है तो ही फूल रहे हैं। तो मनराज के लिए इस तरीके से बनाए हैं, और अपने लिए जो है वो थोड़ा सा मैं अलग शेप में बनाऊँगी, इसके लिए भी मैं फ़िलहाल ऐसे ही बना रही हूँ। और इसके बाद मैं अपने लिए जो बनाऊंगी वो ट्रायंगल वाले बना रही हूँ, ताकि मिक्स हो जाए तो पता चल जाए कि कौन से मनराज के हैं और कौन से हमारे वाले हैं, और ये जल्दी बन जाते हैं। इस तरीके से कभी कभी हमारा ब्रेकफास्ट में मन करता है कि चलो अब आज क्या बनाएं क्या बनाएं, तो बस बेसन घोला और इस तरीके से ब्रेड बना ली, तो बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती है। आई होप आपको मेरे ये ब्रेड पकौड़े अच्छे लगेंगे, अगर अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब मैं जल्दी से हमारे लिए बनाकर और अंदर जा रही हूँ, और अब मैं जो है मनराज को सबसे पहले टेस्ट कराऊंगी। मनराज सोने की तैयारी कर रहा था इसलिए उसको जल्दी से पहले खिला दिया, अब हम खाएंगे। लोगों ने देख लिया कैसे बनाए हैं मैंने सिंपल से ब्रेड पकोड़े। ठीक है, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा हो रही है, अभी हल्का सा फेस वॉश करके आई हूँ, और बनाने से पहले भी मैंने फेस वॉश किया था, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। आज तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही है, पता नहीं क्यों। तो आप लोगों को मेरे ब्रेड पकौड़े कैसे लगे प्लीज़ मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो कल तक के लिए बाय बाय, कल फिर मिलूँगी कोई अच्छी सी वीडियो के साथ। बाय।